बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में आगामी 2 अप्रैल को किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे के साथ मंत्री शिव कुमार डहरिया और अबकारी मंत्री कवासी लखमा शिरकत करेंगे। रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। विधायक बृहस्पत सिंह ने बताया कि तीनों ही मंत्री जिले में आकर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जिले को देंगे, साथ ही कई विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। किसान सम्मेलन करने आ रहे हैं 2 अप्रैल 2023 को महाराजगंज हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम है। मुख्य रूप से बलरामपुर में 11 बजे पहुंचेंगे, जहां को कोठानों में जाकर सरकार का पेंट और जो कोदो कुट की योजना है, स्लेट योजना बोलते हैं, उसका भी शुभारंभ करेंगे। और जो हमारे जिले के 7 जवान सेना में थे जिन्होंने शहीद हो गया था, जिसकी पार्क, शहीद पार्क पहला बार राज्य में स्थापित हुआ है, उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। पहाड़ी कोरवा का भी हम आश्रम संचालित कर रहे हैं, वहीं पे हम एकलव्य विद्यालय भी संचालित कर रहे हैं। ये तीनों चारों इस संस्थाओं के बीच में एक बीच में चनान नदी बहा हुआ है जो बाधित करता था, उस पुल का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही जो हमारे चांदो से लेकर गणेशपुर होते हुए रामानुजगंज न्यायालय की जाने वाला रास्ता जो चांदो पिपराही मार्ग है, वहाँ भी चनान नदी की बड़ी नदी है, उसका भूमि का पूजन करेंगे।